वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको आज सिखाने जा रही हूँ एड भुजी रेसिपी। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, इंग्रेडिएंट्स मैं बता दे रही हूँ। आपको चाहिए होंगे अंडे, तेल, कटी हुई ऑनियन, कटा हुआ टमाटर, कटी हुई मिर्च और वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में मैं यूज़ कर रही हूँ फूल गोभी, बंद गोभी, गाजर, धनिया गार्निशिंग के लिए। मसालों में आपको चाहिए होगा हल्दी, नमक और मिर्च। सबसे पहले आपको क्या करना है, अंडे को फोड़ के उसे फांट लेना है। मैं ऑलरेडी फांट चुकी हूँ और इसमें आपको धनिया पत्ता मिक्स करना है और मसाले मिक्स करने हैं और हल्की सी प्याज भी आप डाल सकते हैं। आप लोग चाहें तो अदरक लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। नमक, मिर्च और हल्दी डाल के आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं आपको कहा था मैं ऑलरेडी पहले से अंडे को फांट चुकी हूँ। आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि फेंटने में कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं। एक साइड आपने क्या करना है, कढ़ाई में ऑयल गर्म होने को रख देना है। मैंने ऑलरेडी रख लिया है 1-2 टेबलस्पून। ऑयल गर्म होने पर उसमें आपको डालनी है ऑनियन, प्याज को हल्का लाइट ब्राउन होने दें, पूरी तरह ब्राउन मत कीजिएगा, लाइट ब्राउन रखना है ध्यान देंगे। पत्ते पत्ते आगे की वेजिटेबल भी कर देंगे ना, काफी बोलिए अच्छा बोलिए। आप ही गाजर ये मैं तड़के में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इन्हें पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं चाहती थी इसे अंदर से बैठे हुए लेकिन सब्जी भी कर सकती थी, लेकिन उसमें आपकी जो सब्जियां सस्ती रह जाती, क्योंकि जब हम अंडे को फ्राई करते हैं तो वो बहुत जल्दी पक जाता है। हल्की से नमक डालें ताकि सब्जी आपकी जल्दी पक जाए। दो से तीन मिनट के लिए वेट करें इसके पकने का, चाहे तो आप इसे ढक के भी रख सकते हैं। वेट करते हैं थोड़ा सा इसके पकने का। ये सब्जी हमने 5-10 मिनट पका ली है, अभी पक चुकी है। आपको इसमें लास्ट में सारा बैटर ऐड करना है एग वाला जो हमने मिक्स किया था। मिक्स कर लें इसे। जैसे आपके हल्का हल्का एग ये पकने लग जाएगा उसमें टमाटर मिक्स कर लें। टमाटर मैंने सब्जियों के साथ इसलिए नहीं भूने क्योंकि वो गल जाते हैं तो वो डेकोरेशन में दिखते नहीं। अगर मैंने लास्ट में डाले तो अभी वो डेकोरेशन का पार्ट बन जाएंगे और हल्के से दिखेंगे। अगर आप मसाले वगैरह यूज करना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। हल्का सा धनिया में डाल लें इस तरह से। तेज आंच पे सेव करें इसे। अच्छे से चेक कर लें कि आपका एग पक गया है या नहीं। अभी ये आपकी पक चुकी है एग, देखिए पकने की आपको हल्की हल्की स्मेल भी आएगी। अब लास्ट में जाए तो मसाले भी ऐड कर सकते हैं और अब हम गैस बंद कर देंगे, इसे परोस लेंगे। एग भुजी बिल्कुल रेडी है। आप इसे धनिया पत्ता के साथ गार्निश कर सकते हैं। इसे आप रोटी के साथ खा सकते हैं, परांठे के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो कैसी लगी आपको ये हमारी एग भुजी की रेसिपी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।